नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार, टॉपर्स कोचिंग सेंटर सिवान का डायरेक्टर, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए देखते हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नया टॉपिक। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। प्रकाश के माध्यम क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक के बारे में यहाँ बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश के माध्यम होता क्या है। प्रकाश के माध्यम यानी इसको हम अंग्रेजी में ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं। प्रकाश के का मतलब होता है प्रकाश और माध्यम का मतलब होता है रास्ता, यानी वह रास्ता जिससे होकर प्रकाश गुजरता है उसी को हम प्रकाश के माध्यम कहते हैं। यहाँ परिभाषा हम लिखे हुए हैं, वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश गुजरता है उसी को ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। प्रकाश के माध्यम का प्रकार के बारे में यहाँ देखना है तो प्रकाश के माध्यम में तीन प्रकार का होता है, पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी, तीसरा पारभासी होता है। आइए देखते हैं तीनों के बारे में एक एक करके। पहले देखते हैं पारदर्शी के बारे में। आइए देखते हैं प्रकाश के माध्यम के प्रकार के बारे में। तो प्रकाश के माध्यम जो है, अभी आप देखे थे प्रकाश के माध्यम निम्न तीन प्रकार का होता है, पहला पारदर्शी जिसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, दूसरा आपका अपारदर्शी जिसको ओपेक्यू बोलते हैं, तीसरा पारभासी या अल्प पारदर्शी जिसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। अभी की करके समझते हैं पारदर्शी के बारे में। पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, इसका मतलब पार का मतलब आर पार और दर्शी का मतलब दिखाई देता है, यानी वह माध्यम जिसके आर पर हमको जो है दिखाई देता है उसी को पारदर्शी बोलते हैं। हवा है तो हवा के आर पर हमको दिखाई देता है, साफ शीशा है तो साफ शीशा के आर पर हमको दिखाई देता है, उसी तरह से साफ पानी है तो साफ पानी के आर पर हमको दिखाई देता है। तो जिसके आर पर हमको दिखाई देता है उसी को ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं। पारदर्शी की एक और परिभाषा आप दे सकते हैं कि जिसके आर पर प्रकाश की किरण जो है आ जा सकती है उसको पारदर्शी बोलते हैं। हवा के आर पर प्रकाश की किरण आ जा सकती है, पानी के आर पर भी प्रकाश की किरण आ जा सकती है, शीशा के भी आर पर प्रकाश की किरण आ जा सकती है। तो जिसके आर पर प्रकाश की किरण आ जा सकती है उसको हम जो है ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं। पारदर्शी में आपका साफ हवा, साफ पानी और साफ शीशा आता है। दूसरा आपका माध्यम है अपारदर्शी, ओपेक्यू। अपारदर्शी का मतलब होता है, ओ का मतलब नहीं और पारदर्शी का मतलब दिखाई देना। तो जिसके आर पार जो है नहीं दिखाई देता है उसी को अपारदर्शी बोलते हैं। दूसरी परिभाषा अपारदर्शी का आप दे सकते हैं कि जिसके आर पार जो है प्रकाश की किरण आ जा नहीं सकती है या जिसको प्रकाश की किरण पार नहीं कर सकती है उसको भी हम अपारदर्शी बोलते हैं। तो अपारदर्शी किसे कहते हैं, आप समझ गए कि वह माध्यम जिसके आर पार हम नहीं देख पाते हैं उसी को अपारदर्शी बोलते हैं। जैसे ईंट हो गया या दीवार हो गया, बोर्ड हो गया, मनुष्य हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये सब जो है अपारदर्शी के उदाहरण हैं। उनके आर पर हम नहीं देख पाते हैं या प्रकाश की किरण भी आ जा सकती नहीं है इनके आर पर। तो अपारदर्शी किसे कहते हैं, इसको भी समझ गया। अंतिम टॉपिक है पारभासी या अल्पारदर्शी। तो पारभासी या अल्पारदर्शी जिसको हम जो है ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, एक ऐसा माध्यम होता है जिसके आर पार जो है हम देख पाते हैं लेकिन थोड़ा देख पाते हैं, थोड़ा नहीं देख पाते हैं। अल्प का मतलब होता है थोड़ा और पारदर्शी का मतलब दिखाई देना। तो जिसके आर पर थोड़ा दिखाई देता है, थोड़ा नहीं दिखाई देता है उसी को अल्प पारदर्शी बोलते हैं या इसको जो है पारभासी बोलते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, जब कांच जो है रगड़ खा जाता है तो उसके आर पर दिखाई देता है लेकिन थोड़ा दिखाई देता है, थोड़ा नहीं दिखाई देता है। उसी तरह से गंदा पानी है, उसके आर पर भी थोड़ा दिखाई देता है, थोड़ा नहीं दिखाई देता है। धूल भरी हुई हवा जो है उसके आर पर भी वस्तुएं जो है दिखाई देती है, थोड़ी नहीं दिखाई देती है। यह सब जो है उदाहरण जो है पारभासी का या अल्प पारदर्शी का है। एक उदाहरण हमेशा पूछता है कि तेल लगा हुआ कागज जो है किसका उदाहरण है, तो आप बताइएगा अल्प पारदर्शी का या पारभासी का। तेल लगा हुआ यदि कागज है तो उसके आर पार की वस्तुएं भी जो है हल्की दिखाई देती है। तो इस तरह से जो है आप प्रकाश के माध्यम क्या है, प्रकाश के माध्यम कितने प्रकार का होता है, यह टॉपिक जो है समझ गए होंगे। फिर एक बार जो है हम इसको रिपीट करते रहे। प्रकाश के माध्यम यानी वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश गुजरता है उसी को हम ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं, प्रकाश के माध्यम बोलते हैं। प्रकाश के माध्यम में तीन प्रकार का होता है, पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी, तीसरा पारभासी। पारदर्शी का मतलब यानी ट्रांसपेरेंट, यानी वह माध्यम जिसके आर पर हमको दिखाई देता है या जिसको प्रकाश की किरण पार कर जाती है उसको पारदर्शी बोलते हैं, जैसे साफ हवा, साफ पानी, साफ शीशा। दूसरा अपारदर्शी, ओपेक्यू, यानी वह माध्यम जिसको प्रकाश की किरण पार नहीं करती है, जिसके आर पर हमको दिखाई नहीं देता है उसको हम ओपेक्यू बोलते हैं, अपारदर्शी बोलते हैं। जैसे दीवार, पत्थर, मनुष्य, पेड़ पौधे, ये सब अपारदर्शी है। अंतिम माध्यम होता है पारभासी या अल्पारदर्शी, ट्रांसलूसेंट,
यानी वह माध्यम जिसके आर पार थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, थोड़ा नहीं दिखाई देता है, उसको हम अपारदर्शी बोलते हैं। या वह माध्यम जिसके आर पर प्रकाश की किरण जो है थोड़ी जा सकती है, थोड़ी नहीं जा सकती है, उसी को हम अपारदर्शी बोलते हैं। अपारदर्शी का उदाहरण जो है आपका रगड़ा हुआ कांच, गंदा पानी है, उसी तरह से धूल भरी हुई हवा है, दिल लगा हुआ कागज है, यह सब जो है अपारदर्शी का उदाहरण है। तो इस तरह से जो है आप समझ गए होंगे, यह जो है टॉपिक बिल्कुल आसान सा टॉपिक था। दोस्तों आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।